हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल माय नेम में साक्षी चौरसिया तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूं वेल ये स्ट्रैटेजी आप इंट्राडे में यूज कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो भी आप इस स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं वेल ये जो स्ट्रेटेजी है गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है मीन्स अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हो बैंक निफ्टी या निफ्टी में के ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है और आपको ये स्ट्रैटेजी डेफिनेटली सीखनी चाहिए तो गाइज मैं बात कर रही हूँ गैप अप एंड गैप डाउन ट्रेडिंग स्ट्रैट टेजी की बिकॉज गाइज हमारा मार्केट

से भी ज़्यादा है मैं खुद इसे स्ट्रैटेजी को यूज़ करती हूँ एंड आई नो कि ये स्ट्रैटेजी मार्केट में कितनी अच्छी तरीके से वर्क करती है गाइज वी ऑल नो दैट कि जो हमारा मार्केट है वो बहुत ज़्यादा टाइम गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है जैसे देखिए इस पॉइंट पे मार्केट यहाँ पे देखिए गैप अप ओपन हुआ है देखिए इस पॉइंट पे यहाँ पे मार्केट लिटिल सा गैप डाउन ओपन हुआ है मार्केट फिर गैप अप ओपन हुआ है देखिए अगेन मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ है देखिए इस तरीके से मार्केट फिर गैप अप ओपन हुआ गैप अप ओपन हुआ तो गाइज इस तरीके से मार्केट गैप अप एंड गैप डाउन ओपन होता है और हमें इन गैप अप एंड गैप डाउन को समझना चाहिए ताकि गाइज आप इसमें इजीली प्रॉफिट अर्न कर सके अब गाइज काफी सारे आपको यूट्यूब पर ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे जो कि बोलते है कि मार्केट जब भी गैप अप ओपन हो तो आप सिंपली बाय कर लीजिए और गैप डाउन ओपन हो तो सिंपली सेल कर दीजिए इससे आप

तो देखिए मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ है और देखिए इसके बाद जो मार्केट है वो यहाँ से स्ट्रेट अपसाइड गया तो गाइज हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि कौन सा गैप अप सस्टेनेबल है और कौन सा गैप अप सस्टेन नहीं कर सकता तो गाइज इसीलिए इस स्ट्रैटेजी को हम यूज़ कर रहे हैं ताकि क्या होगा आप सही पे समझ सके कि येस ये जो गैप अप अगर ओपन हुआ है तो उसके बाद मार्केट यहाँ से अपसाइड ही जाएगा कि डाउन जाएगा अगर अपसाइड जाएगा तो गाइज आप इसमें बाई के ट्रेड लीजिए और अगर वो डाउन जाएगा तो गाइज प्रॉपरली वेट कीजिए और उसके बाद उसमें आप शॉर्ट सैलकेट स्ट्रेट लीजेगा ओके तो ये तो होगा गया गैप अप एंड गैप डाउन सिंपल है गाइस जब भी मार्केट जब भी अपने जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस से मार्केट जो है वो अपसाइड ओपन होता है तो हम उसे गैप अप बोलते हैं जैसे देखिए इस पॉइंट पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ है ठीक है सिमिलरली जब भी जो मार्केट है वो अपने क्लोजिंग प्राइस से बिलो ओपन होता है तो हम उसको गैप डाउन बोलते हैं तो ये तो हो गया गैप अप एंड गैप डाउन के पॉइंट अब गाइज मार्केट इतना गैप अप एंड गैप डाउन ओपन क्यों होता है गाइज उसका रीजन है यूएस मार्केट बिकॉज वी ऑल नो गाइज की जो हमारा इंडियन मार्केट है वो यूएस मार्केट से बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है राइट तो गाइज जब भी मार्केट ओपन होता है जो कि यूजअली हमारे टाइम में रात के टाइम पे ओपन होता है तो उसमें जिस भी टाइप के सिनेरियो होते हैं वो नेक्स्ट डे हमारे मार्केट को अफेक्ट करते हैं और इसीलिए जो मार्केट है वो गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है ठीक है तो अब हम समझ गए कि गैप अप और गैप डाउन होते क्या है इनका रीजन क्या होता है इस स्ट्रेटेजी में गाइस फर्स्ट कैंडल को फॉर्म होने दीजिए और जब फर्स्ट कैंडल का हाई और लो ब्रेक होगा ना तभी हमें ट्रेड लेना उसके पहले हम मार्केट में ट्रेड नहीं लेंगे ठीक है एंड ऑल्सो जो गैप है वो सिग्निफिकेंट गैप होना चाहिए ज्यादा

है, वो गाइस प्राइस एक्शन बिकॉज मैं हमेशा आपसे कहती हूं कि जितनी अच्छी ट्रेंड का आइडिया हमें प्राइस एक्शन देता है उतना अच्छे हमें कोई भी इंडिकेटर प्रोवाइड नहीं करता है इसलिए हम यहाँ पर प्राइस एक्शन पर भी फोकस करेंगे ओके द थर्ड थिंग जिस जिसपे आपको फोकस करना है वो है गाइज वॉल्यूम येस वॉल्यूम आपको कन्फर्मेशन प्रोवाइड कर दे कि येस yes, ये जो मूव है वो कितना स्ट्रांग है इसलिए हम यहाँ पर वॉल्यूम को यूज करेंगे एंड द फोर्थ थिंग जिस जिसपे हमें फोकस करना है दैट इज गाइज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस येस मार्केट में कहाँ पर सपोर्ट है कहाँ पर रेजिस्टेंस है एंड ऑल्सो मार्केट में जो है अभी करेंट ट्रेंड क्या बन रहा है उसके बेसिस में ही आप ट्रेड लेंगे ओके okay गाइज तो इन्हीं चार चीजों की आपको जरूरत पड़ती है दैट मीन्स गाइज जब भी जो हमारा स्टॉक uh, है जो हमारा ट्रेड है वो वी वेब के अपसाइड जा रहा है गाइज तो आपको उसमें बाई का ट्रेड लेना है अगर वो वी वेब के नीचे जा रहा है तो आपको उसका शॉर्ट सेल का ट्रेड लेना है राइट प्राइस एक्शन में आपको कैंडल की साइज बहुत मैटर कर जाती है कैंडल की साइज क्या है विक क्या है जिसके बेसिस में आपको ट्रेड लेना है साथ ही साथ पैटर्न्स भी होते हैं जिस पे आपको फोकस करना है गाइज अगर आपको पैटर्न के ऊपर डिटेल से वीडियो चाहिए तो उस पर मैंने बनाई हुई है वीडियो आप वो भी देख सकते हैं उसकी लिंक मैं ऊपर आई कार्ड पर दे दूंगी नाउ द थर्ड थिंग इज गाइज कि आपको वॉल्यूम पे फोकस करना है जब भी आप किसी भी कैंडल पे ट्रेड लेना उसकी जो वॉल्यूम है ना वो हमेशा इंक्रीज करना चाहिए दैट अस अ सिग्नल कि यस yes, यहाँ से जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग है और वो डेफिनेटली अपसाइड या फिर डाउनसाइड जाएगा सपोर्ट एंड रेजिटेंस आप ड्रॉ कर लेंगे उसके साथ साथ आपको करंट ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है ठीक है अब चलिए मैं आपको चार्ट पे समझाती कि, कि किस तरीके से आप इस स्ट्रैटेजी को मार्केट में यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से इस स्ट्रेटेजी के बेसिस में मार्केट में इजीली प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं ओके ओके गाइस तो देखिए यहां पर मैंने पी वी आर लिमिटेड ओपन कर लिया देखिए यहां पर मैंने वीवैप इंडिकेटर पुट कर लिया साथ में मैंने वॉल्यूम पुट करी है सपोर्ट एंड रेसिटेंस जनरली गाइस आपको प्रीवियस मार्केट में जाना है देखिए इस तरीके से जहां पर भी आपको सपोर्ट दिख रहा है आपको वहां पर सपोर्ट ड्रॉ करना है और जहां पर आपको रेसिस्टेंस दिख रहा आपको वहाँ है आपको वहां पर रेसिस्टेंस ड्रा कर लेना है एंड गाइज अगर आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में प्रॉब्लम जाती है तो इसमें मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी आप वो भी देख सकते हैं या फिर आप विविड पॉइंट यूज कर सकते हैं बिकॉज वो भी एज अ सपोर्ट एंड रेसिटेंट मार्केट में वर्क करते हैं ठीक है अब गाइज देखिए यहाँ पर जो हमारी कैंडल है वो एक बिग ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है साथ ही साथ उसका वॉल्यूम भी हाई है और ये अपने वेब से इंक्री, आई मीन विवेप से ऊपर जा रहा है तो गाइज इस पॉइंट पर फर्स्ट कैंडल का आपको

अच्छी है इस बुक में डिटेल्स है स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज दी गई है तो आपको ये बुक डेफिनेटली रीड करना चाहिए और गाइस करंटली इस बुक की ऑडियो बुक मिल जाएगी आपको कुकू एफएम ऐप में यस गाइस जिसे आप इजीली सुन सकते हैं द बेस्ट थिंग इज गाइस कि ये बुक आपको हिंदी लैंग्वेज में मिल रही है जैसे सुनकर आप अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं गाइज कुकू एफ एम ऐप इंडिया का लीडिंग ब्रांड है यहाँ पर आपको डिफरेंट वेराइटीज ऑफ बुक मिल जाती है जिसे सुनकर आप अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं और इसलिए गाइज कोको एफ एम ऐप के साथ मिलकर मैं आपके लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर लाई हूँ जिसके अंडर गाइज आपको स्ट्रेट फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट मिलता है दैट मीनस गाइज इंस्टीट ऑफ पेइंग थ्री हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन रुपीज़ आपको सिर्फ पे करना है वन हंड्रेड एंड नाइन्टी नाइन रुपीज़ येस yes, गाइज सो so हरी अप आज ही कोको एफ एम ऐप को डाउनलोड करें फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो डोंट फेट टू यूज़ द कोड साक्षी फिफ्टी एंड ऑल्सो गाइज हरी अप बिकॉज ये जो ऑफर है ये फर्स्ट टू हंड्रेड फिफ्टी यूजर्स के लिए ही वैलिड है तो आज ही कोको एफ एम ऐप को डाउनलोड करें फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन

एक सपोर्ट आई मीन टू से हमारा रेसिस्टेंस लेवल जो कि आगे चल के सपोर्ट की तरह वर्क करेगा वो इधर है इस तरीके से गाइज आपको यहाँ पे देखिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेना अब देखिए गाइज इस पॉइंट पे यहाँ पर इसने एक रेसिस्टेंस पॉइंट है यहाँ पर देखिए इसने सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है यहाँ पर वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है तो हमें वेट करना है कि कब ये वाली रेसिटेंस लाइन ब्रेक हो गया हम तभी ट्रेड लेंगे देखिए इस पॉइंट पर ये ब्रेक हुई यहाँ पर आपको ट्रेड लेना था कैंडल के लो पर आपको अपना स्टॉप लॉस पुट करना था देखिए गाइस इस तरीके से आपने ट्रेड लिया देखिएगा तो, तो इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता राइट देखिए इस तरीके से अब देखिए गाइस पर जो है मार्केट लिटिल सा गैप अप तो ओपन हुआ लेकिन ये अपने के ब्लो है इसलिए आपको यहाँ पर अपसाइड को कोई भी ट्रेड नहीं लेना है और आप इसमें शॉर्ट सेल का ट्रेड ले सकते हैं राइट देखिए इस तरीके से मैं आपको और भी एक्सप्लेन करती हूँ देखिए अगेन यहाँ पे एक गैप अप ओपन हुआ है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक पिछली रेसिस्टेंस पॉइंट था जो कि एक सपोर्ट लेवल बन गया ये अपने सपोर्ट लेवल से अपसाइड जा रहा है एक बड़ी ग्रीन कैंडल भी है तो यहाँ पर आपको सिंपली इसके हाई पर ट्रेड ले लेना है इसका स्टॉप लॉस आपको मिडिल में पुट करना है अपने वीवेप के ब्लो बिकॉज यहाँ पर आप कैंडल के ब्लो पुट करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा देखिए इस तरीके से यहाँ पर आप नेक्स्ट रेसिस्टेंस के बेसिस में ट्रेड ले सकते थे और आपको इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता अगेन देखिए यहाँ पर एक गैप अप ओपन हुआ है अपने वी से अपसाइड जा रहा है एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई है आपको इसमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो है सॉरी आपको इसमें आपके जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल है उनको ड्रॉ करना है देखिए इस तरीके से आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करना है और ये करेंटली अपने जो सपोर्ट लेवल है उससे भी अपसाइड जा रहे हैं हाई वॉल्यूम में तो आपको सिंपली यहाँ पर ट्रेड लेना है देखिए इस तरीके से इसमें आपको प्रॉफिट होता है मैं आपको और चार्ट में बताती हूँ जिससे आप समझ सकें कि यस अब हम एक शॉर्ट सेल का ट्रेड देखते हैं बिकॉज हमने अपसाइड के ट्रेड देख लिया मैं आपको बता दी कि किस तरीके से आप गैप डाउन के बेसिस में भी ट्रेड ले सकते हैं ठीक है ओके तो देखिए जैसे कि यहाँ पर एस्कोट का मैंने चार्ट ओपन कर लिया है देखिये यहाँ पर ये गैप डाउन ओपन हुआ है एक बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हुई है देखिए ये अपने वी के भी ब्लो जा रहा है राइट अब यहाँ पर आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन पे फोकस करना है जैसे देखिए इस पॉइंट पर यह रेसिस्टेंस था जो कि बाद में सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट लाइन है ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपको ड्रॉ कर लेना है अब देखिए गाइज़ ये अपने जो सपोर्ट लेवल है उसको ब्रेक कर रहा है यहाँ पे कैंडल भी हाई है वीवेब से भी नीचे जा रहा है कैंडल की वॉल्यूम भी इंक्रीज है तो इस तरीके से यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे और देखिए गाइज़ इसमें आपको ईजीली फोर्टी पॉइंट का इसमें प्रॉफिट हो रहा होता है राइट गाइज देखिए इस तरीके से आपको बस वेट करना है कि कहाँ पर गैप अप हो या फिर गैप डाउन हो और उसके बेसिस में गाइज जब फर्स्ट कैंडल का लो और हाई ब्रेक होगा तब आपको उसमें ट्रेड लेना है गाइज इस तरीके से आपको बहुत सारे मार्केट में गैप गैप अप या डाउन के जो ट्रेड मिल जाएंगे जैसे देखिए अगेन यहाँ पर एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है डोजी फॉर्म हुई है तो गाइस जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होगा हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे देखिए जैसे इसका लो ब्रेक हुआ वॉल्यूम इंक्रीज थी बीवैप के नीचे जा रहा था तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते थे और इसमें हमको इजी प्रॉफिट होता राइट right गाइज जब भी देखिए फर्स्ट कैंडल का लोअर हाई ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है जैसे देखिए इस पॉइंट पर जो हमारी कैंडल है फर्स्ट कैंडल वो फॉर्म तो हुई है लेकिन इसका जो लो है ना गाइज वो ब्रेक ही नहीं हुआ और देखिए इस पॉइंट पर आपको इसमें ट्रेड नहीं लेना था बिकॉज देखिए ये यहाँ से अपसाइड चला गया तो फर्स्ट कैंडल का लो और हाई ब्रेक होना इशेंशियल है वो ब्रेक जैसे ही हो वैसे ही आपको उसमें ट्रेड ले लेना है तो गाइज इसी तरीके से ये जो स्ट्रैटेजी है वो मार्केट में वर्क करती है अगर आपको इस स्ट्रैटेजी में गाइज कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी तो गाइज आई आ गई हो गाइज अगर आपको इस स्ट्रैटेजी पसंद आई हो तो गाइज आज ही इस स्ट्रैटेजी को मार्केट में प्रॉपरली बैक टेस्ट कीजिए चार्ट में देखिए और गाइज जब आपको इसके बैक टेस्ट के रिजल्ट अच्छे मिले तब आप उसको मार्केट में यूज कर सकते हैं ट्रस्ट मी गाइज ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है मैं खुद इस स्ट्रेटी को यूज करती हूँ इसकी एक्यूरेसी भी काफी अच्छी है आप बैंक निफ्टी या निफ्टी के चार्ट के बेसिस में भी इसमें ट्रेड ले सकते हैं सो थैंक यू सो मच गाइज यही थी आज की वीडियो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई गाइज तो प्लीज लाइक दिस वीडियो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो गाइज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो एंड ऑल्सो गाइज डोंट फॉर्गेट टू डाउनलोड द कुकू एफ एम एप एंड यूज द कोड साक्षी फिफ्टी टू गेट फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट नाउ और अपनी फेवरेट बुक की ऑडियो बुक और बुक समरी सुनकर अपनी नॉलेज को एनहांस कीजिए ओके एंड आल्सो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी बिकॉज़ इट कीप मी मोटिवेटेड टू मेक सच वीडियोस फॉर यू सो थैंक यू सो मच मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग इन ट्रेडिंग ओके